Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to physics class. This is lecture number 25, which is related to chapter number 4, motion and force. The topic which we are going to discuss today is the advantages and disadvantages of friction. Besides this, we will also discuss how to reduce friction. As I have told you in my previous class, friction is the force that produces resistance or hindrance against relative motion between two surfaces. Those surfaces जो आपस में contact में भी हैं, एक body दूसरी पर अगर move कर रही है, तो जो hindrance पैदा हो रही है, जो रुकावट पैदा हो रही है body के हरकत करने पर, उसको हम क्या कह रहे थे? उसको हम कह रहे थे friction. Friction वो रगड़ है जो surfaces के आपस में movement के दौरान पैदा होती है. वो फोर्स है जो रुकावट पैदा करती है एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे हरकत करने हरकत ना मतलब कि हरकत एक बॉडी दूसरी बॉडी पे हरकत ना कर सके ऐसे रुकावट पैदा करती है. वो क्यों होती है इसकी वजह भी मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी थी. इट इज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ अप्स एंड डाउन्स ऑफ द टू सरफेसेस व्हिच आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. दो बॉडीज जो आपस में एक बॉडी मूव कर रही है दूसरी बॉडी पे, तो जो दो बॉडीज के सरफेसेस हैं और जो कांटेक्ट में जो सरफेसेस हैं मतलब कि एक सरफेस जो दूसरी सरफेस से टच हो रही है उनके आपस के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं या डिप्रेशंस और एलिवेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? वो इंटरलॉक हो रहे होते हैं. इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है? रगड़ पैदा होती है और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव करने से क्या होता है? वो कासिर रहता है. या अगर मूव भी कर रहा होता है तो रगड़ पैदा हो रही होती है और मोशन क्या होती है? वो स्लो हो जाती है. हरकत जो है या मूवमेंट जो है वो क्या हो जाती है? वो स्लो हो जाती है. तो ये फ्रिक्शन ये रगड़ कुछ जगहों पे फायदेमंद भी है मुफीद भी है और कुछ जगहों पे इसके क्या है? नेगेटिव इफेक्ट्स हैं. तो आज हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन दैट कि किस तरह से मुफीद है. फ्रिक्शन किस तरह से मुफीद है? सबसे पहला फायदा लिखा हुआ है हमने यहाँ पे आपके सामने, इट इनेबल्स अस टू वॉक. आपको पता है कि इंसानों के पैरों के तलवों में क्या होते हैं? डिप्रेशन और एलिवेशन होते हैं. रफ सरफेस होती है, एक स्मूथ सरफेस नहीं होते पैर के तलवे, बल्कि क्या होते हैं? उसके अंदर डिप्रेशन और एलिवेशन होते हैं. वो निशानात जमीन के निशानात के साथ क्या होते हैं? इंटरलॉक होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से चलना आसान हो जाता है. अगर के आप किसी टाइल्स वगैरह की बात करते हैं या पॉलिश मार्बल सरफेस की बात करते हैं, तो ऐसे पॉलिश सरफेस पे इंटरलॉकिंग या डिप्रेशन या एलिवेशन क्या हो गए? वो कम हो जाते हैं. जब डिप्रेशन या एलिवेशन पॉलिश सरफेस पे कम हो जाते हैं, तो उस सरफेस पे कोई इंसान जब चलने की कोशिश करता है तो चलने में इस तरह कामयाब हो जाता है कि स्मूथ बजाय स्मूथ दिखने वाले सरफेस के अंदर भी कुछ ना कुछ डिप्रेशन और एलिवेशन ज़रूर होते हैं और इंसानों के पैरों के तलवों में भी डिप्रेशन एलिवेशन होते हैं. तो पैरों के डिप्रेशन एलिवेशन ज़मीन के डिप्रेशन और एलिवेशन के साथ क्या होते हैं? इंटरलॉक होते चले जाते हैं और इंसान बआसानी चल फिर सकता है. अगर के उसने स्लीपर्स पहने हुए हैं तो स्लीपर्स के अंदर भी डिप्रेशन और एलिवेशन होते हैं, बल्कि पैरों के तलवों से ज़्यादा होते हैं, तो तब भी आसानी से चल सकता है. ठीक है ना, कि स्लीपर्स के जो डिप्रेशन और एलिवेशन होते हैं वो ज़मीन के डिप्रेशन और एलिवेशन के साथ क्या होते हैं? वो इंटरलॉक होते हैं और इंसान चलना फिरना आसानी से चल फिर सकता होता है. इसी तरह से जब हम बात करते हैं, अगर यही जो हमारे टाइल्स की सरफेस है या मार्बल पॉलिश सरफेस है और इस पर जो है अगर पानी गिरा हुआ हो, तो अब जो है वो इंटरलॉकिंग कदरें कम हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड क्या करता है? लिक्विड रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. लिक्विड जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है एज कंपेयर टू द सॉलिड सरफेस. ओके, और अगर यही सरफेस जिस पे हमने अभी जिक्र किया आपसे टाइल्स वाली सरफेस है या मार्बल फ्लोरिंग है और वो पॉलिश भी है और साथ में अगर उसमें पानी के अंदर सर्फ भी हो, तो और भी चलना फिरना मुश्किल हो जाता है.
क्योंकि इंटरलॉकिंग और फ्रिक्शन जो है वो कम से कमतर होती चली जाती है। और अगर ऐसे फर्श पे जो कि जिस पर सर्फ गिरा हुआ हो, पानी और सर्फ गिरा हुआ हो, और उस पर अगर तेज़ी से चलने की कोशिश की जाए तो यकीन तौर पर इंसान स्लिप हो सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी होती है। और फ्रिक्शन ही है ऐसी चीज़ या इंटरलॉकिंग ऑफ दी डिप्रेशन और एलिवेशन ही हैं जो हमारे कदमों के और ज़मीन के दरमियान इंटरलॉकिंग हो रही होती है, वही हमें चलने में हेल्पफुल होते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बात की कि इंसान जो है उसको फ्रिक्शन जो है मददगार साबित होता है चलने फिरने में, इसी तरह से जो भी गाड़ियाँ हरकत कर रही होती हैं, कोई भी व्हीकल मूव कर रहा होता है, तो उसके लिए भी क्या होता है, वो भी बआसानी मूव कर सकता है। किस तरह से मूव कर सकता है बआसानी, ड्यू टू फ्रिक्शन। कोई भी मूविंग व्हीकल आसानी मूव कर सकती है विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि आपको पता है कि टायर्स की जो सरफेस होती है वो क्या होती है, वो उसके अंदर भी क्या होते हैं, डिप्रेशंस और एलिवेशंस होते हैं। आपने टायर्स देखे होंगे मूविंग व्हीकल्स के, उसके अंदर कितने सारे निशानात होते हैं, वो निशानात जो कि टायर पे बने हुए होते हैं वो इंटरलॉक हो जाते हैं रोड की रफ सरफेस पर। रोड की रफ सरफेस आपने देखी होगी, काफ़ी सारे डिप्रेशंस और एलिवेशंस होते हैं। तो इस interlocking of depressions and elevations of tires and roads is helpful to move the vehicle. Similarly, यही roughness road की और tire की vehicle को stop करने में भी कारगर साबित होती है। गाड़ी जो है वो आराम से रुक सकती है with the help of these interlocking of depressions and elevations between the roads and tires. इसी तरह से जब भी गाड़ी को स्लो डाउन करना हो विद द हेल्प ऑफ ब्रेकिंग पैड्स, ठीक है, ब्रेक शूज लगा के, ब्रेक लगा के, तो उसमें भी यही फ्रिक्शन का अमल दखल होता है। फ्रिक्शन पैदा होता है ब्रेक लगाने की वजह से किसके दरमियान, बिटवीन द टायर्स एंड रोड्स, जिसकी वजह से गाड़ी जो चलती हुई गाड़ी है, मूविंग व्हीकल क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है, और जो है वो या तो स्टॉप करना हो तो बआसानी स्टॉप भी हो सकती है। इस तरह से मैंने आपको गुज़श्ता क्लासेस में नेल्स के बारे में बताया था, कील के बारे में, कीलों को दीवार में फिक्स करना हो तो वो भी फ्रिक्शन की मदद से ही किया जा सकता है। मतलब कि फ्रिक्शन की वजह से जो दीवार की फ्रिक्शन नेल्स के साथ जो हो रही होती है, मतलब कि जो कीलों के साथ हो रही होती है, वो हेल्पफुल रहती है नेल्स को दीवार पर या किसी भी वुडन आइटम्स के जो जोड़ना हो उसको फिक्स करना हो, तो उसके लिए फ्रिक्शन ही कारगर साबित होती है। इसी तरीके से अगर हमें पेन पकड़ना हो, चॉक स्टिक्स पकड़ने हो, और वो भी कदरे आसान होता है द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। कैसे, हमारे हाथों के जो हमारी उंगलियां हैं उसमें भी डिप्रेशन एलिवेशन होते हैं, वो इंटरलॉक हो जाते हैं पेन के या चॉक स्टिक्स के डिप्रेशन और एलिवेशन से, और इस तरह से बआसानी हम पेन या पेंसिल या चॉक स्टिक्स पकड़कर अपना काम कर सकते हैं। अब तक तो मैंने आपको बताया एडवांटेजेस ऑफ फिशिंग के बारे में, अब चलते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई गाड़ी मूव कर रही है उसमें क्या हो रहा है, उसके मूविंग पार्ट्स के दरमियान क्या हो रहा है, फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। इंजन से गाड़ी चलती है तो इंजन के अंदर भी जो है वो फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ मशीन्स की इंजन्स और मोटर्स में क्या हो रहा होता है, वेयर एंड टेयर फ्रिक्शन की वजह से बढ़ जाता है। मतलब कि उसको जो है उसके अंदर टूट फूट बढ़ जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन, सही है ना। इसके अलावा एनर्जी भी काफ़ी सारी वेस्ट हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है वेस्टेज ऑफ एनर्जी ड्यू टू रेजिस्टेंस, एनर्जी वेस्ट ज़्यादा होती है। एनर्जी भी क्यों वेस्ट होती है, जाहिर सी बात है फ्रिक्शन को ओवरकम करके ही मूवमेंट की जा सकती है, इस लिहाज से मूवमेंट में एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है और इस तरह से एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो रही होती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो मूवमेंट आसान होती है और एनर्जी भी कम से कम वेस्ट हो, ठीक है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा किसी भी इंजन का मतलब पावर जो है वो रिड्यूस हो जाता है बाय 20% एनर्जी जो है इंजन का जो है वो पावर जो रिड्यूस होता है। अगेन जाहिर सी बात है अगर फ्रिक्शन ना हो तो स्मूथली इंजन चलते रहेंगे, और अगर फ्रिक्शन होगा तो रुकावटें पैदा होंगी, हिंड्रेंसेस पैदा होंगे इंजन के मूव करने में और उसके मोटर्स को मूव करने में। तो लिहाजा इस तरह से जो है वो मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है 20% से।
इसके अलावा जब भी कोई चीज़ आपस में लड़ खाती है तो राइज इन टेम्परेचर का फिनोमेना भी जो है वो राइज हो जाता है और इसकी वजह से बीगर और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं कि मशीन की लाइफ जो है वो कम से कम तर होती चली जाती है, मशीन की जो है वो ज़िंदगी जो है वो कम होती जाती है, मशीन का रिपेयरिंग टाइम जो है वो जल्दी आने लगता है मरीज के। एक दफ़ा मशीन सही की, अब राइज इन टेम्परेचर की वजह से मशीन जल गई तो फिर दोबारा से जो है उसको जो है वो सही करना पड़ता है, अमेंड करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। तो ये अवामिल जो है ये क्या है, ये मशीन की जो लाइफ है उसको राइज इन टेम्परेचर का जो फिनोमेना है ड्यू टू फ्रिक्शन, रगड़ की वजह से जो टेम्परेचर का राइज होना है वो मशीन की लाइफ को खराब करता है। अब हम बात करते हैं हाउ वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। सबसे पहला जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है पॉलिशिंग सरफेस विद स्लाइड ओवर वन अनदर। अभी भी मैंने आपसे जिक्र किया, अगर के आपने मार्बल फ्लोरिंग देखी होगी तो मार्बल जब लगते हैं ज़मीनों पे कभी कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो है वो हमें पॉलिश करना पड़ता है सरफेस को, और जब हम पॉलिश कर लेते हैं सरफेस को तो उससे क्या होते हैं डिप्रेशन और एलिवेशन जो होते हैं मार्बल सरफेस के वो कवर हो जाते हैं ड्यू टू पॉलिश, और जब पॉलिश की वजह से जब डिप्रेशन और एलिवेशन कवर अप हो जाते हैं तो स्मूथ सरफेस हो जाती है। जब सरफेस स्मूथ हो जाएगी तो दूसरी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उस पर आसानी क्या हो सकती है, वो स्लाइड हो सकती है, ठीक है ना। पॉलिशिंग सरफेस रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, सही है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि जो है वो लिक्विड जो है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, अभी भी आपको थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। किस तरीके से, अगर हमारे पास जब भी कोई मशीन या जो इंजन काम कर रहा होता है, मोटर काम कर रहा होता है, आपने सुना होगा इसकी ऑयलिंग की जाए तो उसके अंदर कम से कम फ्रिक्शन पैदा होगी, खिचखिच की आवाज़ भी कम होगी, ये आपने सुना है ना। वो क्या होता है कि लुब्रिकेंट्स या ग्रीस कर लेना, किसको, मूविंग पार्ट्स को, मशीन्स के मूविंग पार्ट्स को अगर ग्रीस कर लेते हैं तो उससे क्या होता है फ्रिक्शन जो है वो कम से कमतर होता चला जाता है, और जब फ्रिक्शन कम से कमतर होता चला जाएगा तो इससे आपकी मशीन की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। आपको मैंने गुज़श्ता क्लास में जॉइंट्स के दरमियान पाए जाने वाले फ्रिक्शन की भी जिक्र किया था, जब मैंने आपको ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स बताई थी कि बायोफिजिक्स के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे जो जॉइंट्स हैं नी जॉइंट्स, घुटनों पे जो जॉइंट है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी कुदरती तौर पे ऐसा लुब्रिकेंट मौजूद है जिससे क्या होता है हमारी जो नी के जो जॉइंट्स हैं वो क्या होता है वो डैमेज होने से बच जाते हैं। जो लुब्रिकेंट हमारे नी के दरमियान मौजूद है, नी जॉइंट्स में मौजूद है, वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, और जब रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को तो क्या होता है हमारी नी की लहर, हम ज़्यादा से बताएं जब फ्रिक्शन रिड्यूस होगा नीज का तो हमें पेन कम होगा, दर्द नहीं होगा, और हम आसानी मूव कर सकेंगे। ओवरकम फ्रिक्शन कौन ओवरकम कर रहा है वहाँ पे, हमारा जो लुब्रिकेंट है जो नीज के दरमियान पाया जाता होता है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है, वो ओवरकम कर रहा है जिससे आसानी इंसान मूव कर रहा होता है। तो इससे ही पता चला कि विद द यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। Similarly, use of ball bearings. This point I have already discussed in my previous class के मैंने से कहा था कि जब ball bearings या spherical objects का इस्तेमाल करने से आप friction को reduce कर सकते हैं। मैंने आपको इसकी मिसाल दी थी, ball bearings की मिसाल दी थी suitcases में, आपको trolleys की मिसाल दी थी जो कि airport पे होती हैं, जो कि shopping malls में होती हैं, उन trolleys के चे ball bearings लगे हुए होते हैं, spherical objects लगे हुए होते हैं जिससे point of contact क्या होता है reduce हो जाता है, और जब point of contact reduce जाता है तो रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन इज कंपैरेटिवली वेरी लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। ओके, आई हैव डिस्कस यू द मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन अलॉन्ग विद द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। नाउ योर वर्क टुडे इज टू लर्न द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन from the notes, okay, and you can also learn this methods to reduce friction because ke time to time kaam ke liye jaye to acha rehta hota hai, theek hai na. So that's all for this class. Inshallah we'll meet in the next class with a new lecture. Till then, Allah Hafiz.